दिखेगा मरियम का डांस जलवा। फिर चलेगा मर्जीना के हुस्न का जादू। फिर शुरू होगी मरियम और अली के प्यार की दास्तान। अली बाबा एक अंदाज अनदेखा का चैप्टर 2 शुरू हो गया है, जिसमें अब तनिषा शर्मा की जगह मनन चुडासमा मरियम के किरदार में नजर आ रही है। 23 दिसंबर को तनिषा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके चलते सीरियल की कहानी में ब्रेक लगा। लेकिन अब सीरियल की कहानी एक नई सिरे से शुरू हुई है, जिसकी जिम्मेदारी अब मनन चुडासमा और अभिषेक निगम के हाथ में है। इनका अंदाज तो वही है लेकिन कहानी नई है। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है मनुल के मेकअप रूम में, जहां वो अपने किरदार में ढलने की तैयारी कर रही हैं। चेहरे पर मेकअप शेकअप लगाकर साज श्रृंगार कर मनुल बन जाएंगी मर्जीना। तो आइए देखते हैं कि कैसे मनुल करती है अपना मेकओवर। हाय, दिस इज मनुल चुडासमा एंड आज मेरा मेकओवर है फ्रॉम मनुल टू मर्जीना and I hope that you all are excited to see me. So I start my face with moisturizing it. तो हम इससे शुरू करते हैं और फिर मैं ये oil free moisturizer लगाती हूँ जो हमारे दादा लेके आए हमारे लिए। इसके अंदर SPF 15 है जो कि sun rays के लिए मतलब skin tan नहीं होगी आपकी। तो हम कोई भी base लगाने से पहले ये creams लगाते हैं कि you know, face moisturized रहे पूरा दिन और tanning ना हो हमें, pimples ना आए, क्योंकि पूरा 13 घंटे हमें makeup रखना होता है। अब दादा अपना जादू दिखाएंगे और दीदी अपना जादू दिखाएंगे, हम बस बैठे रहते हैं और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मेकअप और हेयर इन टोटल हाफ एन आवर में हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा चेंजिंग को लेकर और 10 मिनट, तो फिर आई थिंक इन 30-40 मिनट आई एम कंप्लीटली रेडी। हम आज एकदम स्पीड में रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज हमें आधे घंटे का ट्रैफिक मिल गया, जहां हमारा सेट है वो ऑलरेडी मेरे घर से 33 किलोमीटर्स दूर है, तो हमें एक घंटा तो लगता है पहुंचने के लिए सेट पे। उसके ऊपर हमें और एक्स्ट्रा हाफ एन आवर का ट्रैफिक मिल गया, तो 1.5 आवर हम सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे आज। तो सारे प्रोडक्शन वाले एकदम ऊपर नीचे हो गए क्योंकि हमारा ही वेट हो रहा है, हमारा और अली का, क्योंकि हम दोनों ही बॉम्बे से आते हैं यहाँ, तो थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है। उसे लगाते ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो फिर मैं दादा को हमेशा बोलती हूँ कि मेरी अंडर आइज आप हाथों से डैप कर लिया करें। तो दादा ने तब से एकदम बढ़िया अपने हाथों की जादू करने लगे और तब से मुझे अपनी वो सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। अब इसके बाद हम फेस पे पाउडर लगाएंगे हमारे दादा, एकदम अच्छे से स्पॉन से डैप करेंगे पूरे फेस पे और हमारा फेस एकदम जितना ज़्यादा ग्लो रहा है वो थोड़ा सेटल हो जाएगा। और हम सबसे पहले अंडर आईज से शुरुआत करते हैं कि क्रीज ना आए आंखों के नीचे। अगर आप जानते होंगे मैं से आँखें नॉर्मल रखना तो क्रीज आ जाती है, तो तुरंत ही हम पाउडर कर देते हैं फाउंडेशन और कंसीलर लगा के कि ज़्यादा क्रीज ना आए फेस पे। एंड अभी मेरी आईज हो रही है जिसमें हम एकदम हल्का सा बेबी पिंक कलर ही लगाते हैं। आप देखेंगे मर्जीना मरियम के लुक में हमारा इतना ज़्यादा मेकअप है नहीं।
ये अश्विनी दीदी जो हमारे कॉस्ट्यूम्स देखती हैं और हमें इतना प्यारा प्यारा दिखाती है, जो हमने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है वो दीदी ने ही हमें इतना थोड़ा सा डिजाइनिंग करके पहनाती हैं। ये हो गई है हमारी मरियम की आईलाइनर। आप जैसे कि देख पा रहे हैं एकदम बढ़िया सी क्यूट सी विंक है। अब हमारे दादा करेंगे शायद ब्लश ऑन या फिर लिपस्टिक, हम गेस कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा ग्लो लगाएंगे, आईलैश लगाएंगे। ये वाले शो में पहली बार मेरे पास लैशेस हैं, तो लैशेस से क्या होता है आपकी आंखें एकदम ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं, आपकी पलकें जब थोड़ी सी लंबी होती हैं तो आपके एक्सप्रेशंस, आपके हर एक चीज़ एकदम निखर के आते हैं। तो फिर आई एम रियली हैप्पी कि यू नो अभी हम एकदम प्यारे प्यारे लैशेस लगाएंगे, आप देखेंगे हमारा लुक कैसे एकदम चेंज होके प्यारा हो जाएगा। ये हमारा हार आ गया, मेरा नौलक का हार है ये। अभी तक हमें गले में ज्वेलरी नहीं दी गई थी, तो इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है। फ्लैशेस लग गए हमारे। आपने देखा होगा दादा ने सिर्फ एक बार ऐसे लगाया और हो गया, जबकि लैश लगाना इतना डिफिकल्ट है। आप हर लड़की, मतलब लड़कियां अगर हमारा ये देख रही होंगी इंटरव्यू, तो उन्हें पता ही होगा कि कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है एक लैश लगाने के लिए। जब मैं खुद भी सीख रही थी लैश लगाना, मुझे 30-30 मिनट एक लैश लगाने में लगे। सो हमारे दादा एकदम प्रो है इस चीज़ में, एक बार में एकदम बढ़िया लगा देते हैं। मैं अभी ब्लश ऑन कर रही हूँ, ब्लश ऑन मुझे थोड़ा सा खुद से करना पसंद है क्योंकि मैं नोज पे लगाती हूँ, क्यूट थोड़ा नेचुरल रेडनेस लगे, पिंक थोड़ा। आई फील मेरा ना ऑलरेडी थोड़े से कट्स ऑलरेडी मेरे को, आप देखेंगे चीक बोन्स है ऑलरेडी, सो आई डोंट प्रेफर कि मेरे वो, अगर आप साइड कटिंग करते हो अब थोड़े से और मेच्योर लुक आ जाता है, और मुझे थोड़ा सा एकदम ऐसे क्यूट सा बेबी बबली लुक ज़्यादा पसंद है। तो हम हमारे लुक में वो थोड़ी बोल्डनेस, थोड़ी मेच्योरिटी और वो सब हम कम डालने की कोशिश करते हैं, जितना नेचुरल हो सके हम उतना कोशिश करते हैं कि हम नेचुरली रखें, और थोड़ा सा हल्का सा ब्लश ऑन की हल्की सी पिंकी पिंकीनेस आए फेस पे, ग्लो आए अच्छा सा, बस हम बेसिक बेसिक चीज़ें ही करने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, उससे ज़्यादा। मुझे आईब्रो में एकदम हल्का हल्का फिल करना पसंद है, ज़्यादा नहीं करती मैं, मुझे थोड़े से नेचुरल आईब्रोज अच्छे लगते हैं। खाली लिप बाम लगाना बाकी है हमें, हम ये लिप बाम लगाते हैं और एक और हमारा ये हाँ ये क्रिएटिविटी एक्चुअली एक ईयरिंग थी जिसे हमने ऐसे टक करके एक बैंगल में बना दिया है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, हम हमारी जो दीदी और क्रिएटिविटी हमारे कॉस्ट्यूम दीदी की है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हमारी लिपस्टिक हो गई। जितना खास मर्जीना का अंदाज है उतने ही खास है उनके गहने भी। मनुल को मर्जीना के गहने बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसे पहनकर वो बहुत इतराती हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी ज्वेलरी ही ज्वेलरी है। सबसे हैवी कॉस्ट्यूम और सबसे हैवी ज्वेलरी हमारी होती है पूरे सेट पे। और अभी हमारा ये बलून वाला हाथ का, हम कुछ
कुछ ना कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी करते रहते हैं कि कुछ अलग दिखे, हर कॉस्ट्यूम में कुछ अलग ही क्रिएटिविटी दिखती है. एक्चुअली ऐसा है कि हल्का सा टाइट करना पड़ेगा हमें. हाँ जी, फाइनली मर्जीना पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा फाइनल लुक है. बस अभी हमें माइक लगाना है और तुरंत सेट पे जाना है, क्योंकि सब वेट कर रहे होंगे. हम तुरंत आपके पास आते हैं, आपको हमारा फाइनल लुक दिखाते हैं. मनुल अब बन चुकी है मर्जीना और समय हो गया है इनकी शूटिंग का. आज सीन में फिल्माया जा रहा है मर्जीना और अली की शादी का सीक्वेंस, जहां दोनों शादी के बंधन में बंधने तो जाते हैं, लेकिन इनकी शादी पर लग जाता है ब्रेक, क्योंकि आ जाता है जबरदस्त ट्विस्ट. खैर, इसी ब्रेक के साथ शूटिंग पर भी हो गया है ब्रेक का समय और अब मनुल पहुंच गई है अपने मेकअप रूम में, जहां वो बता रही है अपने लुक के बारे में और साथ ही करवा रही है मुलाकात अपनी बागवती से. हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, हमारा पूरा ताज जैसा मांग टीका है, जिसमें हम देखेंगे बहुत सारी ज्वेलरी है. बालों में हमें टोंग किए जाते हैं पूरे बालों में, और गले में इतना बड़ा हार है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये कमर बेल्ट दी हुई है हमें एकदम प्यारी सी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एक और ये ऐसे आजकल जो हर लड़कियों को पता है ना, पफी स्लीव, सो हल्का सा एक ट्विस्ट देने के लिए मुझे भी ऐसा दिया हुआ है इस बार विद द कट इन इट. ये बेसिकली हम जहाँ पर जो गांव में आए हैं उनका ये एक सिंबल है जो हम भी पहनते हैं. अब इसका क्या मतलब है वो तो हमें नहीं पता, बट ये सिंबल बस यूज किया है वो गांव वालों के लिए हमने. बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने बैग में आधे से ज्यादा मेकअप का सामान और सिर्फ खाने का सामान कैरी करती हूँ. हमारी बैग है और इसमें हम ढेर सारा खाने का सामान, परफ्यूम और ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आते हैं. सो दिस इज माई बॉडी लोशन, दिस स्मेल्स अमेजिंग. सो दिस इज माई क्रीम, दिस इज माई मिंट, फिर ये मेरी चॉकलेट्स है, ये मेरी एक और चॉकलेट्स है, और खारी. हर गुज्जू लड़कियों को खारी स्नैक्स ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपको मालूम होगा. ये है थोड़े हेल्दी वाले, पीरी पीरी मखाना और ये सब जो मैं लेके आती हूँ, और ये हनी सनफ्लावर सीड्स, जिससे आपके हेयर ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी होती है, सो आई कैरी दीज. फिर ये मेरे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है, ये मेरे एक और ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है जिसमें डेट्स रखती हूँ मैं, और ये बच्चों वाली चॉकलेट जो मुझे आप देखेंगे ये सब चीज़ें आपको बच्चों की बैग में मिलेगा, बट यू नो आई स्टिल हैव दैट किड इन मी, तो मैं ये सब ऐसी चीज़ें, ये मेरी थोड़ी कॉफ सिरप है हाइजीन के लिए, मैं थोड़े से माउथ वॉश वगैरह लेकर घूमती हूँ. सो या दैट्स इट, एंड सम परफ्यूम्स विथ मी जो मुझे पसंद है. ये थोड़ा बॉडी मिस्ट है स्ट्रॉबेरी वाला, ये डिओड्रेंट्स है, ये वाले डिओड्रेंट्स है. सो या दैट्स ऑल. मैं अब शुरू करती हूँ मेरे ये मेकअप से, जिसमें ये मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ मेरे. सो दीज आर माई फाउंडेशन, दिस इज़ माई कंसीलर, ये सब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही रखती हूँ. ये मेरा माई ग्लैम का ब्लश ऑन है, और ये मेरे ब्रशेज़ है जो मैं ऐसे ही थोड़े रख देती हूँ मेरे मेकअप वाले टेबल पे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से अचानक से एक मिनट मिलता है, हम आते हैं थोड़ा सा टचअप करते हैं और वापस चले जाते हैं अपने सेट पे. या दिस इज़ बेस्ट, मैं यहाँ पर आकर अपने बहुत सारे कपड़े लटका देती हूँ, बट सिंस अभी हमें टाइम नहीं मिला और हमने थोड़े से कपड़े यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर लिए थे, तो वो मैं पहन कर ऑलरेडी लेकर गई थी घर पर कि वो धुल जाए. सो ये अभी एक दो कपड़े बचे हुए हैं, ये तो मैं आज पहन के आई थी, और ये मेरे यहाँ पर कभी कभी ठंड बहुत रहती है तो फुल स्लीव्स वाले हुडी वगैरह मैं यहाँ ही रखती हूँ कि यू नो मुझे काम आ जाए. अभी मैं एक छोटा सा मंदिर भी सेट करूँगी रूम में, जो कि मम्मा अभी गणपति बापा जी लेकर आएंगे हमारे लिए. सो मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनाऊँगी. सो आई होप कि हमारी मुलाकात बहुत जल्दी हो और मैं आपको अपना मंदिर भी दिखाऊँगी.
जाते जाते बस इतना ही कह सकती हूँ सारे अलीबाबा फैंस से, सारे हमारे फैंस से, कि हम आपके बिना कुछ भी नहीं है। हम यहाँ ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं, हमने देखा था थोड़े दिन से सोनी सब चैनल आ भी नहीं रही थी, तो आपने यू नो बहुत सारे एपिसोड्स नहीं देखे होंगे, पर हम यहाँ जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अभी, आई एम श्योर 100% श्योर सोनी सब अब वापस चालू हो गया है, आप प्लीज़ देखिए हमारी ढेर सारी मेहनत को, थोड़ा अप्रिशिएट करें। हम यहाँ पर आपको एंटरटेन करना भूलेंगे नहीं, एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम वो भी पूरा करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ मनुल के साथ हमारे डे आउट का सफर अब खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि नई मर्जीना और नई अलीबाबा की जोड़ी दर्शकों को पसंद आ रही होगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।